ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। विश्ववंदनी मुदमंगल और मेरे अज्ञान दोष के शोषक, सद्ज्ञान सद्गुण के पोषक, परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी, संत समाज, आज परम आराध्य सद्गुरुदेव जी का जन्मदिन है, जयंती है। सन 1933 भादो कृष्ण पक्ष द्वादशी, अंग्रेजी महीना 17 अगस्त, खान तारा गाँव उत्तर प्रदेश में, माता जगरानी देवी, पिता दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी के घर आज ही के दिन बड़ा ही सुंदर मनोहर मनमोहक बालक का जन्म हुआ और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ढोल बजने लगे, थाली बजने लगी, ताली बजने लगी, आइए हम लोग भी ताली बजाएं। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। जिसे आज सदगुरु अभिलाष साहेब के नाम से दुनिया जानती है। सदगुरु देव की याद में एक छोटा सा पहले पद रखता हूँ, फिर दो शब्द कुछ निवेदन करूँगा। अभिलाष गुरु के गुण गाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए है आत्म ज्ञान। अभिलाष गुरु के गुण गाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। भेद भाव नहीं रहे किसी से सबको गले लगाते, दीन गरीबों से मिलकर सबके दुख को बांटे। भेद भाव नहीं रहे किसी से सबको गले लगाते, दीन गरीबों से मिलकर सबके दुख को बांटे। प्रेम भाव से भरा था दिन कितने बड़े महान, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। अभिलाष गुरु के गुण गाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। कथनी करनी जीवन मुक्ति सब सा एक समान, हम सौभाग्यशाली हैं रहत कुछ दिन शाम। कथनी करनी जीवन मुक्ति सब सा एक समान, हम सौभाग्यशाली हैं रहत कुछ दिन शाम। अमृतवाणी गुरुमुख से हम किए हैं पान, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। अभिलाष गुरु के गुण गाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भरम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान।
सौ से आधे ग्रंथ रच दुनिया को दिखाए ज्ञान, वेद गीता उपनिषद पेटक है पहचान। सौ से अधिक ग्रंथ रच दुनिया को दिखाए ज्ञान, वेद गीता उपनिषद पेटक है पहचान। बेजक व्याख्या महाभारत खोल बताए ज्ञान, जन्म जन्म का भ्रम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। अभिलाष गुरु के गुण ज्ञाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भ्रम हटा कर दिए हैं आत्म ज्ञान। जब तक सूरज चांद रहेगा ऋण रहे संसार, स्वस्थ मन हो शांत चित यही बताए सार। जब तक सूरज चांद रहेगा ऋण रहे संसार, स्वस्थ मन हो शांत चित यही बताए सार। जन्म मरण का भेद बताए हिरेंद्र रखा है नाम, जन्म जन्म का भ्रम हटा कर दिए है आत्म ज्ञान। अभिलाष गुरु के गुण गाते हैं हम सब मिल आज, जन्म जन्म का भ्रम हटा कर दिए है आत्म ज्ञान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम आराध्य सद्गुरुदेव के हम सब ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। हम सबको वो दौलत दिए हैं, वो धन दिए हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें गुरुदेव जी कहा करते थे, समाज में कहा करते थे, धन धन नहीं जन धन है। ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा मंत्र है। और इस छोटा सा शब्द में बहुत बड़ा ग्रंथ समाया हुआ है और पूरा जीवन समाया हुआ है। समाज में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, जहां भी धन को धन मानेगा तो जन का क्वालिटी घट जाएगी, उसकी महत्व घट जाएगा, फिर उसको कम आका जाएगा, धन को ज्यादा आका जाएगा। और यहीं से फिर समाज परिवार में कला उत्पन्न होती है, व्यवहार बिगड़ता है। तो एक छोटा सा शब्द है, हम सब के लिए एक संजीवनी बूटी है। हमें इस शब्द को हमेशा याद रखना चाहिए। हम कहीं भी रहें, हमारे साथी मित्र बेटा पुत्र जो हो, चेला गुरु जिसके हाथ में पावर है, शक्ति है, जो कुछ करते हैं, उसको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये सद्गुरु कबीर, सद्गुरु हमारे अभिलाष साहेब जी का एक मंत्र है जो मानव समाज को दिए। और कहा करते थे प्रेम में स्वर्ग है और अनाशक्ति में मोक्ष है। ये भी एक मंत्र है, महामंत्र है, छोटा सा शब्द है।
लेकिन इसके मुकाबला में मैं समझता हूं चारों वेद फैल है। कहते ना एक शब्द गुरुदेव पर ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। ये शब्द में ये शक्ति है, जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। चाहे झोपड़ी में रहें, चाहे टूटी चटाई में सोएं, चाहे एक टाइम खाएं, और जहां प्रेम नहीं है एसी में रहें, एसी गाड़ी में चलिए, डल्लब गद्दा पर सोइए, कई मंजिल मकान है, सामने गार्डन है, सब चीज है। लेकिन ऐसे लोग भी कहा करते हैं कि मेरे जैसे दुख संसार में किसी के पास नहीं है, क्योंकि घर में प्रेम नहीं है। कुछ कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, एक आते हैं तो दूसरे निकल जाते हैं। 36 कैसे होते हैं उल्टा, 3 और 6 हिंदी के कैसे उल्टा होते हैं ऐसे 36। ऐसे लोग बहुत से घरों में बैठने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसलिए सदगुरु हमें ये भी मंत्र देते हैं कि प्रेम हो, प्रेम तो वहां स्वर्ग होगा, समाज घर कहीं भी हो। और उसके साथ साथ हमें अनासक्ति भी रहना है, अनासक्त भाव से सेवा। कौन किसका है, कौन अपना है और कौन पराया है, सब 4 दिन के साथी, 4 दिन के मिले। जैसे तिनके मिल जाते हैं आपस में, गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, तालाब में तिनके मिल जाते हैं, फिर हवा चलती, लहर आती है, फिर तिनके उधर की इधर चली जाती, मिलती नहीं है। ऐसे हम सब तिनके के समान है, एक यहाँ एक सर्वर ही ये मानो यहाँ आ गए हैं। उसके बाद अपने अपने कर्म को लेकर के कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कभी मिलेगा संभव नहीं है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करके अच्छे संस्कार बनाना है। ये हमारे गुरुदेव जी की सीख है। और कहा गुरुदेव जी की एक छोटी सी पुस्तक है, संत कौन। संत कौन में सबसे प्रथम शब्द आता है, संत वह है जो दुखी नहीं होता है, संत वह है जो ईर्ष्या नहीं करता है, संत वह है जो जलता नहीं है, संत वह है जो राग द्वेष नहीं करता है, संत वह है जो किसी की निंदा नहीं करता है, संत वह है जो पक्षपात नहीं करता है, संत वह है जो झूठ नहीं बोलता है। संत झूठ बोले तो संत क्या, संत के नाम से बदनाम। हम कपड़े पहन लिए हैं संत के, इससे संत नहीं हो जाते हैं। लोग उदाहरण देते हैं, हम तो 20 साल से हैं, 10 साल से, 50 साल से संत हैं। देखिए कला मंच में जब कुछ नाटक होता है तो वहां भी साधु का भेष पहन के आता है, कोई कपड़ा पहना है साधु का, लेकिन साधु नहीं है वो। कोई राजा बन जाता है, राजा का कपड़ा पहन के आता है, लेकिन राजा नहीं होता है वो। ऐसे ही हम संत के कपड़ा पहन लेंगे तो संत नहीं हो जाएंगे, उस संतत्व को हमें धारण करना है। इस शब्द को सद्गुरुदेव सबसे पहले क्यों रखे, हम लोगों जैसे, मेरे जैसे लोगों को दिमाग में एक हथौड़ा मारे हैं कि जग जाए, प्रमाद न करें। नहीं तो बात वही हो जाती है ना कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मैंने जीवन में शादी करके बहुत पछताया है, तुम जीवन में शादी मत करना। पुत्र ने कहा, पिता श्री आपके वचन शिरोधार्य है, इसको मैं कभी नहीं भुलाऊंगा, लेकिन मैं भी अपने बेटा को यही बताऊंगा। ऐसे हमारे अंदर ये भाव ना हो, हम जैसे बाहर हैं वैसे अंदर रहें। सदगुरु यही देखना चाहते थे और यही सदगुरु के प्रति हमें
एक कृतज्ञता होगी, हम उसके ऋणी हैं, उसको ये ऋण चुकाना होगा जब हम उस पद पर चल जाएंगे। तो देव जी का एक छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो हम सबके लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है। ऐसी छोटी छोटी बातों को हम याद करें और गुरुदेव जी के पद चिन्ह पर चलेंगे तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा। और अधिक न कुछ कहते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।